मैथ्स मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विव्यक्तिकरण होगा। तो दिए हुए समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो a का मान 3, a = 3, b = -6 और c = 4 प्राप्त होता है। विव्यक्तिकरण b² - 4ac, मान रख देंगे b - 6 - 6 का स्क्वायर - 4 × 3 × 4 - 6 का स्क्वायर 36 - 4 × 12 = 36 + 48 - 36 घटाएंगे -12। इस प्रकार से विव्यक्तिकरण का मान -12 जो कि ऑप्शन डी पर दिया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो y = 0 समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो इससे प्राप्त होगा 3x + 2 × y के स्थान पर 0 = 6। तो 3x + 0 = 6 या 3x = 6, तो ex = 6/3, तो इसे 2 मिल जाता है। x = 2 y = 0, यानी समीकरण का हल x = 2 और y = 0 जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C a/8 4 है तो a का मान होगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक में भुज x = होता है x = x1 + x2/2, मान रख देंगे x हमारा है a/8, a/8 = x1 - 4 + x2 5 अपॉन 2। इस प्रकार से ये 1/2 मिलता है तो a = लिखेंगे 8, उधर गुणा में चला जाएगा 8/2, सरल किए 2 × 4 = 8। इस प्रकार से a का मान 4 प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन बी पर दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB = 6√3 सेमी, AC = 12 सेमी और BC = 6 सेमी तो कोण बी का मान होगा। सबसे पहले हम सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर निकालेंगे, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी AB² + BC² AB² + BC² AB 6√3 6√3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 √3 का स्क्वायर 3। इस प्रकार से 3 और 36 का गुणनफल निकालेंगे, 6 × 3 = 18 और 3 × 9 = 10 + 36 144। इस प्रकार से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बी समकोण होगा। तो ऑप्शन ए 90° सही है। अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होंगी। तो सबसे पहले जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम माइनस कर लेंगे, 125 से 8 घटाएंगे, 125 माइनस 8 तो ये हमारा मिल जाएगा 117। इसके बाद 70 से 5 घटाएंगे, 65 मिल जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के हम गुणनखंड निकालें, 117 के खंड निकालेंगे, 3 से विभाजित होता है, 3 त्रिक 9, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 13 3 39। इस प्रकार से 117 के खंड 3 × 3 × 13 मिलते हैं, 3 × 3 × 13। अब हम 65 के खंड देखते हैं, 65 5 से कट रहा है, 5 5 3 15 यानी 13 × 65, 5 × 13 मिला। तो देख रहे हैं दोनों में जो माशा प्राप्त होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 13 है, इसका माशा 13 मिल गया। अतः वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी जिससे 125 और 70 को अगर हम विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होगा। तो वो संख्या 13 ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समीकरण का एक मूल -2 है तो k का मान होगा, क्योंकि समीकरण का एक मूल है तो इसलिए समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो x के स्थान पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 -6 बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर 4 -2k -6 इक्वल टू 0, तो 4 -6 मिल करके -2 मिलेगा। तो इस प्रकार से -2k इक्वल टू 2 या k इक्वल टू 2/-2 हल किए k इक्वल टू -1 मिलता है। तो इसलिए k का मान -1 जो कि ऑप्शन सी पर दिया है इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। सम चतुर्भुज, ये हमने एक सम चतुर्भुज बनाया, नाम मान लीजिए इसका ABCD दे देते हैं। तो इस समचतुर्भुज के विकर्ण, ये दोनों विकर्ण हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसलिए विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु पर ये बनने वाले कोण 90 डिग्री के होंगे। तो मान लेते हैं ये मध्य में बिंदु O है। इसके बाद चूंकि विकर्णों की लंबाइयां 12 और 16 हैं और जहां से प्रतिच्छेद करते हैं वहां से ये समद्विभाजित हो जाते हैं तो 1 6 6 में बढ़ जाएगा, ये मान लीजिए आपका 6 6 में हुआ, और दूसरा विकर्ण 16 है तो ये 8 8 में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, AB² इक्वल टू मिलेगा OA² प्लस OB² मान रख देंगे, OA देख रहे हैं 6 का स्क्वायर, OB 8 है 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 यानी 100 और 100 का वर्गमूल 10, तो भुजा की माप आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इस साइड में ले आएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वन, और ये बना टेन थीटा, वन टेन 45 अंश का मान होता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। 144 के सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, पहले दो से विभाजित करेंगे, दो सत्ते 14, दो फिर 36 दुनाई 72, फिर दो से काटे 18 मिला, पुनः दो से काटेंगे 9, और 9 के खंड हमारे 3 × 3। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो ये हमारा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, यानी घातों का योगफल देखें तो 4 + 2 = 6, घातों का योगफल 6 प्राप्त होता है, अतः ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी, क्योंकि हम जानते हैं वाई अक्ष से दूरी का मतलब भुज का मान और एक्स अक्ष से दूरी का मतलब कोटि का मान। क्योंकि वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो भुज -3 है, इसलिए वाई अक्ष से दूरी -3 होगी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साइन 15 अंश / cos 75 अंश का मान होगा। तो दो में से एक को चेंज करेंगे, साइन 15 को ही बदल लेते हैं। साइन थीटा चूंकि जानते हैं कॉस 90 - थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 - थीटा, थीटा की जगह 15 है, बटे कॉस 75 अंश, और 90 से 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा, कॉस 75 अंश / cos 75 अंश, तो कट करके 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, वर्गांतराल बारंबारता दी है, तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान x का मान निकाल लेते हैं, मध्यमान x इक्वल टू मिलेगा 0 से 10 का मध्यमान 5, 10 से 20 के बीच निकालेंगे 15 मिलेगा, और 20 से 30 के बीच निकालेंगे 25 आएगा, 30 से 40 के बीच 35, और 40 से 50 के बीच 45। ये हमारा x का मान हुआ, बारंबारता f होती है। अब हम f गुणे x का एक कॉलम और बनाते हैं, f गुणे x दोनों का गुणा कर लें, 5 और 5 का गुणा किए 25 मिलेगा, 15 × 6 = 90, और 25 × 5 = 125, इसके बाद 35 और 3 का गुणनफल निकालेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 45 और 1 का गुणनफल किए 45। इसके बाद हम बारंबारता और सिग्मा एफएक्स इनका योगफल निकालेंगे, सिग्मा एफएक्स मिलेगा, जुड़ते हैं 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20, 0 मिला, 2 × 2 = 4, और 9 × 4 = 13, 2 × 15 = 15, 4 = 19, और 2 × 1 = 3, 390 आ गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ निकालते हैं तो सिग्मा एफ का मान हमारा 5, 6, 11, 5, 16, 16, 3, 19, 1, 20। इस प्रकार से माध्य x बार इक्वल टू
सिग्मा एफ फिक्स अपॉन सिग्मा एफ मान रख देते हैं। सिग्मा एफ फिक्स हमारा 390 है बटे सिग्मा एफ 20 है, एक जीरो कैंसिल कर दिए, दो से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 19 यानी 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 19.5। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यदि 3 cot θ = 4 तो कोशिक थीटा का मान, देखिए दिया है 3 cot θ = 4 यानी cot थीटा इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारा कोण थीटा हमने माना, cot थीटा मिला 4/3 और cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार की माप 4 मिली और लंब की माप 3। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ये कर्ण की माप निकालें तो कर्ण बराबर मिलेगा √4² + 3² यानी √16 + 9 = 25, 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार से कोशिक थीटा, तो कोशिक थीटा जानते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण की माप 5 है, लंब की माप 3 है, तो 5/3, अतः ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न, यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यदि पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 माने तो गोलों के आयतनों का अनुपात 4/3 π R1³ / 4/3 π R2³ = ये दिया अनुपात 27/64 का, काट देंगे 4/3 π 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2³ और इधर देखें तो ये हमारा 3/4³ है। तो इस प्रकार से R1/R2 का मान मिला 3/4। पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π R1² / 4π दूसरे गोले का मिलेगा R2², तो अनुपात में देख रहे हैं 4π 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलता है R1/R2² मान रख दें, R1/R2 मिला है 3/4, 3/4² करेंगे 9/16 यानी दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 जो कि हमारे ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यदि कुछ परीक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 हैं तो माध्यिका होगी। हम जानते हैं कि बहुलक MO इक्वल टू होता है 3 × MO − 2 × MM, इसी में मान रख देंगे, बहुलक 45 दिया है, 45 रख दिए, 3 माध्यिका निकालनी है, लिखे रहेंगे ME माइनस 2 इंटू माध्य का मान 27 दिया है। इस प्रकार से 45 और ये 27 × 54 इधर ले आए, प्लस में मिला = 3 ME, जोड़ते हैं 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9, 3 भी हमारा बटे में आ गया ME। इस प्रकार से ME = मिलेगा, 3 से कैंसिल कर दिए 33 आ जाएगा, तो माध्यिका का मान 33 प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन बी पर दिया है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समीकरण के मूल होंगे
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखें तो ये हमारा एक्स माइनस वन का होली स्क्वायर लिखा हुआ है। इस प्रकार से समीकरण के दोनों मूल एक और एक प्राप्त होंगे, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वन वन है। अगला प्रश्न, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो हम जानते हैं माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य 18 दिया है, तो 18 बराबर मिलेगा, पदों को जोड़ते हैं, 7 + 13 + 20 + 17 + 3x अपान, पदों की संख्या देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर ले आए, 18 5 का गुणा हो गया, 18 × 5 = 90। इधर भी संख्याओं को जोड़ेंगे, 13 × 7 = 20, 20 = 40, 40 + 17 मिलकर के 40 × 10 = 50, 7 = 57 हुआ। तो 57 + 3x या 90 − 57 = 3x। तो 90 से 57 घटाएं, देखिए 10 से 7 = 3 और 8 से 5 = 3 बटे 3, ये हमारा यक्ष हुआ। इस प्रकार से काटते हैं तो यक्ष बराबर 11 प्राप्त होता है। यक्ष का मान 11 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है, इसलिए प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, समीकरण 3/(x − 2x) = 2/(x) का हल है। तो इस समीकरण को हल करके देखते हैं। हमारा समीकरण है 3/(x − 2x) = 2/(x), दोनों और x से गुणा कर देंगे तो यही समीकरण बन जाएगा 3 − 2x² = 2। तो 3 − 2 = 2x² 3 − 2 = 1 हुआ, 1 = 2x² या x² = 1/2 या x = इसका वर्गमूल हुआ ±1/√2, जो कि हमारे ऑप्शन ए पर दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:7 में हैं तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात a1/a2 = संगत भुजाओं के वर्गों 4² = 16 और 7² = 49, 16:49, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल π r² और परिमाप 2π r दोनों बराबर हैं, बराबर कर लेते हैं, दोनों ओर से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की भी एक घात कट जाती है, तो r = 2 मिलता है। अतः वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक है, तो ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से ये 20 प्रश्नों का संग्रह पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।